शिक्षकों को परीक्षा के दौरान थाने में बैठाना यह एक अपमानजनक व्यवस्था है। अगर शिक्षक किसी विषय का विशेषज्ञ है तो वह इसका अपराध नहीं है। अगर हाँ प्रशासन के पास कोई सबूत है कि वह नकल कराता है तो प्रशासन उस पर वैधानिक कार्रवाई करे, लेकिन इस तरीके से थाने में शिक्षकों को बैठालना ये अपमानजनक व्यवस्था है और इस अपमानजनक व्यवस्था को मैं पुरजोर तरीके से विरोध करता हूँ और प्रशासन को आज मैं ज्ञापन के माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री को भी इस विषय से अवगत कराऊंगा। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है, तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को फॉलो, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। शिक्षकों को परीक्षा के दौरान थाने में बैठाना यह एक अपमानजनक व्यवस्था है। अगर शिक्षक किसी विषय का विशेषज्ञ है तो वह इसका अपराध नहीं है। अगर हाँ प्रशासन के पास कोई सबूत है कि वह नकल कराता है तो प्रशासन उस पर वैधानिक कार्रवाई करे, लेकिन इस तरीके से थाने में शिक्षकों को बैठालना ये अपमानजनक व्यवस्था है और इस अपमानजनक व्यवस्था को मैं पुरजोर तरीके से विरोध करता हूँ और प्रशासन को आज मैं ज्ञापन के माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री को भी इस विषय से अवगत कराऊंगा। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है, तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को फॉलो, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। शिक्षकों को परीक्षा के दौरान थाने में बैठाना यह एक अपमानजनक व्यवस्था है। अगर शिक्षक किसी विषय का विशेषज्ञ है तो वह इसका अपराध नहीं है। अगर हाँ प्रशासन के पास कोई सबूत है कि वह नकल कराता है तो प्रशासन उस पर वैधानिक कार्रवाई करे, लेकिन इस तरीके से थाने में शिक्षकों को बैठालना ये अपमानजनक व्यवस्था है और इस अपमानजनक व्यवस्था को मैं पुरजोर तरीके से विरोध करता हूँ और प्रशासन को आज मैं ज्ञापन के माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री को भी इस विषय से अवगत कराऊंगा। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है, तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को फॉलो, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। शिक्षकों को परीक्षा के दौरान थाने में बैठाना यह एक अपमानजनक व्यवस्था है। अगर शिक्षक किसी विषय का विशेषज्ञ है तो वह इसका अपराध नहीं है। अगर हाँ प्रशासन के पास कोई सबूत है कि वह नकल कराता है तो प्रशासन उस पर वैधानिक कार्रवाई करे, लेकिन इस तरीके से थाने में शिक्षकों को बैठालना ये अपमानजनक व्यवस्था है और इस अपमानजनक व्यवस्था को मैं पुरजोर तरीके से विरोध करता हूँ और प्रशासन को आज मैं ज्ञापन के माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री को भी इस विषय से अवगत कराऊंगा। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है, तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को फॉलो, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का।